सच्ची कहानियों की तरह कोई भी चीज दर्शकों के दिल को छू नहीं पाती। बायोपिक से लेकर ऐतिहासिक फिल्मों से लेकर अपराध और युद्ध की कहानियों तक बॉलीवुड में हर किसी की पसंद की फिल्में हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। नंबर 1, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। ये फिल्म हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराती है। आप लोगों को याद होगा कि सितंबर 2016 को भारतीय सेना LOC फ्रांस पाकिस्तान की सरजमी पर उसी उरी अटैक का बदला लिया जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए थे। आर्मी ऑफिसर विहान सेरगिल को अपने यूनिट के साथ उरी में हुए घातक आतंकी अटैक के बाद सीमा के पार जाकर पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाना है। विहान को ही इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना है। नंबर 2, नो वन किलेड जेसिका। यह फिल्म जेसिका लाल हत्याकांड पर आधारित है। इसे अधिक मनोरंजन और तनाव पूर्वक कोई फिल्म नहीं है। यह साबित करना कितना मुश्किल है कि किसी लड़की को गोली मारी गई है जबकि घटना के कम से कम 10 चश्मदीद गवाह हो, यह साबित करना उससे मुश्किल होगा कि जब हत्यारा एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा हो। इसमें आपको विद्या बालन और रानी मुखर्जी दिखाई देंगी। नंबर 3, आसमान गुलाबी है। कहानी आयशा चौधरी की है जो संयुक्त रूप से बीमार होती है। फिल्म उनके और उनके माता पिता के छोटे से जीवन पर आधारित है जो अपनी बेटी की बीमारी और अपने रिश्ते से जूझते नजर आते हैं। फिल्म एक दिल छू लेने वाली घटना पर आधारित है जिसमें प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर दिखाई देंगे। नंबर 4, सुपर 30। आनंद कुमार की कहानी का पुनर्कथन थोड़ा नाटकीय है जो वंचित छात्रों के लिए अपने सुपर 30 कार्यक्रम के साथ 30 बच्चों को JEE परीक्षा पास कराने में सक्षम थे। ऋतिक रोशन की सुपर 30 एक प्रेरणादायी फिल्म है। नंबर 5, एयरलिफ्ट। फिल्म की कहानी 4 अहम किरदारों के आजू बाजू घूमती है। इन चारों को मिलाकर एक लीड किरदार स्क्रीन पर उतारा गया है जिसे अक्षय कुमार ने निभाया है। यह फिल्म पहले खाड़ी युद्ध पर आधारित है। इस जंग के दौरान कुवैत में फंसे करीब 1,70,000 भारतीय नागरिकों को देश वापस लाए जाने की घटना को डायरेक्टर ने अपने अंदाज में पेश किया है। सरकारी अधिकारी हालात से निपटने के विकल्पों पर विचार करती है। तब तक कुवैत का रईस बिजनेसमैन रंजीत अपने प्रभाव और रसूख से अपने फैमिली और फंसे दूसरे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का मिशन स्टार्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज योर प्रतीक साइनिंग आउट।